अगर आप विजडम शेयर का स्मार्ट क्लाउड के भी यूज कर रहे हैं और आप भी इसके बार बार डेट एंड टाइम के रीसेट होने के लिए परेशान हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। या अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि जब भी आप अपने टीवी को ऑफ करते हैं और ऑन करने के बाद अगेन इसकी डेट एंड टाइम बहुत पीछे चली जाती है, तो उसको आप किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा है, ऑलमोस्ट 30+ वीडियोस को अपलोड कर रखा है। अगर आप मेरी उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट होगी, जिसे क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे टीवी के टॉप पे राइट साइड पे देख सकते हैं कि टाइम है 5 AM और डेट है फर्स्ट मंथ एंड 1970, जबकि ये 2022 चल रहा है। तो इसको सेट करने के 2 ways हैं। फर्स्ट है मैनुअल और सेकंड है ऑटो। ऑटो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ मैनुअल। मैनुअल के लिए क्या करना है, आपने अपने रिमोट पे जो नेविगेशन कीज हैं यानी एरो कीज हैं उनको प्रेस करते हुए सेटिंग्स में चले जाना है। डाउन नेविगेशन की को प्रेस कर रही हूँ एंड सेटिंग पे जाने के बाद मैं एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है टाइम की, राइट नेविगेशन की मैंने प्रेस की और टाइम में एंटर होने के लिए मैं एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन है टाइम एडिट की, टाइम एडिट में जाने के लिए डाउन नेविगेशन की को प्रेस किया यानी एरो की को और एंटर का बटन प्रेस कर लिया ताकि ये ओपन हो जाए। अब यहाँ पे मैं ईयर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ईयर सेलेक्ट करने के लिए डाउन नेविगेशन की को मैंने प्रेस कर दिया जाना है अनटिल के जो भी मैंने ईयर सेलेक्ट करना है वो ना आ जाए। अच्छा एक्चुअली तो ये 2022 है मगर यहाँ पे मैं 2021 सेलेक्ट करूँगी, वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं ऑटो को क्लिक करूँ तो आपको डिफरेंस फील हो कि भी ऑटो पे ऑटोमेटिकली प्रेजेंट डेट एंड टाइम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2021 को सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि इसको मैं मैनुअली कर रही हूँ, आप 22 भी कर सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस शो करने के लिए यहाँ पे मैं 21 को सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके ये हो गया ईयर। अब नेक्स्ट है मेरे पास मंथ। मंथ चूँकि ये थर्ड मंथ चल रहा है तो मैं सेकेंड मंथ को सिर्फ आपको शो करने के लिए सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ। डाउन नेविगेशन की को प्रेस किया, सेकेंड मंथ आ गया, अगेन राइट नेविगेशन की को प्रेस किया, अब मैं आ गई हूँ डेट पे। मेरे पास यहाँ पे मैं 28 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट है जी टाइम, टाइम मैं चलें 9 AM सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ ये है मिनट्स, मिनट्स में मैं 5 सिलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैंने यहाँ पे नेविगेशन की को प्रेस करते हुए 5 तो ले आई हूँ मगर यहाँ से एग्जिट होने से पहले मुझे रिमोट से एंटर का बटन ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। मैं यहाँ से एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ तो अब मेरी डेट एंड टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं, 28 डेट है, सेकेंड मंथ है और 2021 ईयर है और टाइम है 9 AM यानी 9:05, ठीक है। और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट होती हूँ और आपको वहाँ पे जाके इसके डिस्प्ले पे इसका टाइम शो करती हूँ। एग्ज़िट होने के लिए मैं एग्ज़िट का बटन प्रेस कर रही हूँ, अगेन एग्ज़िट, तो राइट नेविगेशन की को प्रेस किया तो ये देख सकते हैं आप राइट साइड पे टॉप पे जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। मैनुअल तरीके से टाइम तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया मगर इसका एक ड्रॉबैक है और इसका ड्रॉबैक ये है कि जब भी हम अपने टीवी को ऑफ करेंगे तो टाइम हमारा बहुत पीछे जा चुका होगा यानी वही 1970s में। बट डोंट वरी, आगे चल के मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें कि आपको अगेन एंड अगेन टाइम को रीसेट ना करना पड़े। और अब जाना है मुझे ऑटो में और अब मैं आपको इसका सेकंड वे से टाइम एंड डेट को सेट करके दिखाती हूँ। सेकंड वे ये है कि उसके लिए नेट कनेक्ट होना इसके साथ ज़रूरी है तो आपको हर बार डेट एंड टाइम को सेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सारा डेट एंड टाइम जब भी आप टीवी ऑन करें तो ऑटोमेटिकली रीसेट होके प्रेजेंट टाइम आए तो उसके लिए आपको इसका वाईफाई ऑन रखना है और टीवी में एक छोटी सी सेटिंग करनी है। पहले मैं आपको इसका वाईफाई ऑन करके दिखाती हूँ और फिर उसके बाद जो टीवी में सेटिंग करनी है वो भी करके दिखाती हूँ। तो नेट को कनेक्ट करने के लिए अगेन मैं जाऊँगी सेटिंग्स में, लेफ्ट नेविगेशन की को प्रेस करते हुए एंड सेटिंग्स में आने के बाद एंटर का बटन प्रेस किया, नेटवर्क आ गया, इसमें एंटर होने के लिए एंटर का बटन प्रेस करूँगी और नेट मोड वायरलेस है और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो कि वायरलेस किया इसको क्लिक करूँगी, इसमें एंटर होने के लिए एंटर का बटन प्रेस करूँगी
इसमें एंटर होने के लिए एंटर का बटन प्रेस करूँगी और यहाँ पे मैं वाईफाई का पासवर्ड एंटर करूँगी और ओके करने के लिए मैं डाउन नेविगेशन की को प्रेस करते हुए एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ और मेरा वाईफाई टीवी से कनेक्ट हो गया है। एग्जिट का बटन प्रेस कर रही हूँ, अगेन एग्जिट, और अब मैं जाऊँगी टाइम में और टाइम में जाने के बाद टॉप पे आपको एक ऑप्शन शो हो रही है ऑटो अटैच की, ये वो सेटिंग है जो मुझे टीवी में करनी थी। ठीक है, तो ऑटो अटैच पे आ चुकी हूँ, ये देखिएगा ये मैं ऑटो अटैच पे हूँ और जस्ट मैंने एंटर का बटन प्रेस करना है तो ये ऑटो अटैच की ऑप्शन एनेबल हो गई है। आप ब्लू देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगी, अगेन एग्जिट, तो अब आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, ये देखिए मैंने जो टाइम सेलेक्ट किया था, जो मैंने मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो और था, और जैसे मैंने नेट को अटैच किया और ऑटो कनेक्ट की ऑप्शन को एनेबल किया तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंट टाइम शो हो रहा है जो कि है 12:39 PM और डेट है 31 मार्च 2022। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये निकला कि अगर आप तंग आ चुके हैं कि बार बार जब भी हम टीवी को ऑन करते हैं तो टाइम बहुत पीछे चला जाता है, तो इसके लिए आप टीवी की जो सेटिंग है उसमें ऑटो अटैच कर लें और उसके साथ आप अपने टीवी को वाईफाई से या इंटरनेट से कनेक्ट कर लें, तो जब भी आप अपने टीवी को ऑन करेंगे आपका टाइम पीछे नहीं जाएगा बल्कि प्रेजेंट टाइम ही शो होगा। ऑन द अदर साइड अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो उस सूरत में आपको मैनुअल ही इसके टाइम एंड डेट को सेट करना पड़ेगा हर बार जब भी आप अपने टीवी को ऑन करेंगे। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।